कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री असलम शेख द्वारा बनाए गए स्टूडियो पर कार्यवाही शुरू, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है विद स्टूडियो। इस स्टूडियो में कई फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग भी हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के बाद स्टूडियो तो इसको तोड़ने की शुरुआत हुई है। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह की कोर्ट में पेशी, गाजियाबाद से हुई थी समर सिंह की गिरफ्तारी। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद समर सिंह को वाराणसी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पुलिस समर सिंह के अलावा दूसरे आरोपी संजय सिंह की भी तलाश कर रही है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने डराया। एक ही हफ्ते में कोरोना के मरीजों में भारी उछाल। 195 दिनों में सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। दिल्ली में 606 नए मरीज आए। देश भर में 6050 नए कोरोना मरीज। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बैठक। बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। लोग पैनिक ना करें, स्थिति काबू में। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी में कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से लखनऊ में पहली मौत, 35 नए मरीज। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कई जगहों पर मास्क अनिवार्य किया गया। सिक्किम सरकार ने मास्क को लेकर निर्देश जारी किए। सिक्किम के लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। हरियाणा सरकार ने लोगों से आग्रह किया, जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ हो वहां मास्क पहनकर जाएं। यूपी में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क पहनने के लिए कहा गया। सीएम योगी ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मास्क पहनने के निर्देश दिए। जेल से मनीष सिसोदिया ने उठाया पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा। देश के नाम चिट्ठी लिखकर मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक। मनीष सिसोदिया ने लिखा, मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी। आज यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ दौरे पर अमित शाह। 4,567 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अमित शाह करेंगे उद्घाटन। अमित शाह कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे और आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात देंगे। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की भी आधारशिला रखेंगे। 2024 चुनावों को देखते हुए अमित शाह के आजमगढ़ दौरे को अहम माना जा रहा। शाह का दौरा दलित पिछड़ों को लुभाने का दांव माना जा रहा। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। सीएम नीतीश ने अपने आवास पर बुलाई इफ्तार पार्टी। बिहार के सभी नेता और राजनीतिक दलों को भेजा न्योता। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में 2024 की मोर्चाबंदी दिखाई देगी। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर 9 अप्रैल को इफ्तार का आयोजन रखा गया है। एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिलने के बाद तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जेल से रिहा हुए। कल रात शर्तों के साथ मिली थी जमानत। जेल से छूटने के बाद कुलदेवता के मंदिर पहुंचे बंदी संजय। बंदी संजय ने कुलदेवता की प्रार्थना की। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। केरल के बाद आंध्र प्रदेश में बीजेपी में शामिल होगा बड़ा चेहरा। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकले नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में हैं। सिद्धू ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से मुलाकात की। कल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भरी हुंकार, कहा, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के लिए मैं ना झुकूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। आज सरेंडर कर सकता है भगौड़ा अमृतपाल सिंह। सरेंडर करने की आशंका के बीच पंजाब में हाई अलर्ट पर पुलिस अधिकारी। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज एक विशेष सभा बुलाई है। अंदेशा व्यक्त जताया जा रहा है कि अमृतपाल इसी सभा में आत्मसमर्पण कर सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली में वॉकथॉन में भाग लिया। साथ ही मांडविया ने लोगों को सेहत से जुड़ी कई जानकारियां दी। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वविद्यालय में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से योग करने की अपील की। कर्नाटक के बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैंकिंग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की राम जन्मभूमि की नई तस्वीरें। चंपत राय के मुताबिक मंदिर अब आकार लेने लग गया है। फोटो में पत्थरों में की गई नकाशी को दिखाया गया है। गर्भगृह का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। नोएडा में सनसनीखेज वारदात। पारिवारिक कलेश के चलते पति ने पत्नी की हत्या की। शव को बोरी में भरकर यमुना नदी में फेंका।
पुलिस और एसटीआरएफ ने 3 दिन बाद महिला के शव को यमुना से बरामद किया। आरोपी पति गिरफ्तार। गोपालगंज में जेल में एक कैदी का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया। जेल में बंद कैदी ने इंजेक्शन वाली शीशी को निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया। कैदी के परिजनों का आरोप, पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है। 6 दिन बाद घूमकर कूनो लौटा चीता उबान। शिवपुरी जिले के जंगल से नेशनल पार्क की टीम ने रेस्क्यू किया और वापस कूनो लेकर आई। उबान के ग्रामीण इलाकों में बार बार नजर आने के चलते ग्रामीणों में दहशत थी। उबान के रेस्क्यू के बाद ग्रामीण और वन अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप पर दर्ज किया है एक और केस। महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज हुआ। माफिया तेग अहमद के बेटे उमर अहमद के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। उमर पर कारोबारी मोहित जायसवाल से मारपीट का आरोप। उमेशवाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। फरार शाइस्ता पर 25,000 का इनाम है। अशोक विहार में एमसीडी के बंद स्कूल में नाबालिग से रेप और लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग से रेप किया और उसका वीडियो बनाकर मौके से फरार हो गया। राजौरी पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। असम पुलिस ने मोरीगांव में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 386 एटीएम कार्ड और कैश बरामद। खरगोन बड़वानी मनावर गंधवानी से कुछ फकीर भिक्षा मांग रहे थे, तभी राजौद ग्राम में लोगों ने बच्चा चोर समझकर उनकी पिटाई कर दी। नोएडा में क्रिकेट खेलने के दौरान निर्माणाधीन नाले में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत। निर्माण के दौरान नहीं लगे थे सेफ्टी उपकरण। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। भोलानाथ पारा इलाके में केमिकल फैक्ट्री थी। 6 गाड़ियों ने लगातार आग बुझाई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। हपरोड़ा इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन की झलक के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा इससे सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। त्रिपुरा में होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। पूजा अर्चना करते नजर आए श्रद्धालु। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर गुड फ्राइडे पर रेत से कलाकृति बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के सूरत में इंजीनियरिंग के छात्रों ने ह्यूमनाइड रोबोट बनाया। लोग ह्यूमनाइड रोबोट की खूब कर रहे हैं तारीफ। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक तस्वीर बनाई। तस्वीर के जरिए लोगों से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक चर्च में गुड फ्राइडे के मौके पर समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान चर्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। असम के डिब्रूगढ़ में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली में एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म के लोगों ने टेलीस्कोप से चंद्रमा, प्लेट्स, ओरियन, नेबुला और ग्रहों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कद्दी परब समारोह में भाग लिया। साथ ही सीएम बघेल ने भाषण भी दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवा चौपाल में शिरकत की। बैरसिया में दीवार लेखन अभियान में भाग लिया। सरकार ने सट्टेबाजी और दाव लगाने वाले ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित किया। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए। ऑनलाइन गेम का सेल्फ रेगुलेटरी संगठन करेगा जांच। इतना ही नहीं, सरकार ने सट्टेबाजी और गैम्बलिंग से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी चेतावनी जारी की। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने पेंशन सिस्टम के समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति गठित की गई है। सस्ती मिलेगी सीएनजी और पीएनजी गैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का कैबिनेट को मंजूरी देने के लिए कहा। यूपीआई के जरिए बैंकों के क्रेडिट लाइन से हो सकेगा पेमेंट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दौरान इस बैठक में फैसला लिया गया। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमें लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 81 रनों के बड़े अंतर से हराया। कोलकाता के लिए शार्दुल ठाकुर ने खेली तूफानी पारी। शार्दुल ने 29 गेंदों पर बनाए 68 रन।